मुस्तकीम, ये जूता बहुत काट रहा है, क्या करूं? अरे कहां से लिया है ये जूता? कहीं कुत्ते की खाल का तो नहीं बना जो काट रहा है? बेमिसाल से पूछती हूँ। हाँ बेमिसाल, चलते हुए अगर जूता काटे तो क्या करना चाहिए? कोई टोटका है तुम्हारे पास? अच्छा ओके, कह रही है अगर चलते हुए जूता ना पहनो तो नहीं काटेगा। तो स्मार्ट। वैसे पता नहीं आजकल जूते क्यों इतने महंगे हो गए। जब मैं छोटी थी, स्कूल जाती थी, तब तो बहुत सस्ते पड़ते थे। क्या पड़ते थे? जूते। अरे हमें तो डंडे ही पड़ते थे। बहुत गलत बात, घटिया हरकत है, बहुत गैर इंसानी हरकत। अच्छा हो गया ना बस, अब क्या करूं? अरे हमें तो प्रोटेस्ट करना चाहिए इनके खिलाफ। जूतों के खिलाफ? अरे कॉर्पोरेशन के खिलाफ, जिन्होंने कुत्ता मार मुहिम शुरू की है ना आवारा कुत्तों को मारने के लिए। अच्छा वीडियो देख रहे हैं? ओह हाँ, वैसे बिल्कुल गलत बात है, कुत्तों को भी भौंकने और काटने की पूरी आजादी होनी चाहिए, बिल्कुल इंसानों की तरह। क्या? अरे मेरा मतलब है कोई और तरीका कार इख्तियार करना चाहिए, जानदार को मारना कोई हल नहीं है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। हाँ बिल्कुल सही बात है। डॉली, 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 क्या हुआ? तुमने इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? इमरजेंसी में नहीं बुलाया, घर पे बुलाया है। हाँ? तुम्हें पता है बेमिसाल, कुत्ता मार मुहिम शुरू हो गई है। हाँ? तो हम कुत्तों को मारेंगे? नहीं, हम कुत्ता बचाओ एनजीओ बनाएंगे जो कुत्तों के हकूक के लिए काम करेगी। अच्छा तो इससे कुत्तों को फायदा होगा? नहीं, इससे हमें फायदा होगा। तुम्हें पता है बाहर के जो मुल्क हैं वहाँ हुकूमतें कुत्तों से इंसानों जैसे सलूक नहीं करती, बल्कि उससे अच्छा सलूक करती हैं। अच्छा? हाँ पता है वहाँ कुत्तों की इतनी ज्यादा इज्जत करते हैं कि जब किसी को बहुत इज्जत की नजर से देखो ना तो वो घूर के देखता है कि क्या मुझे कुत्ता समझे। लेकिन डॉली हमारी एनजीओ कुत्तों को बचाएगी कैसे? हमारी सारी मेहनत अपनी एनजीओ को बचाने में लगनी चाहिए। कुत्तों से यकजहती दिखाने के लिए हम 5-star होटल्स में सेमिनार्स करेंगे, लंच डिनर्स, बैरून मुल्क टूर्स। तुम्हारे दिल में कुत्तों के लिए कितना दर्द है डॉली। मैं अंदेशा को बोलती हूँ कि एनजीओ खोलने की तैयारी करें। ओ बेमिसाल ने कहा था कि एनजीओ बनानी है, तो ये देखिए अंदेशा ने एनजीओ बना लिया और ये है मेंबरशिप फॉर्म्स। क्या इसके मेंबर कुत्ते होंगे जो कुत्ते की पिक्चर लगाई है? अरे नहीं, इसके मेंबर सिर्फ वो लोग होंगे जो डोनेशंस देंगे। और हमारा स्लोगन है कुत्ते से प्यार करें, कुत्ता वफादार है और हमने कुत्तों को बचाना। बेमिसाल हमने जिन कुत्तों को बचाना है वो हम कहाँ से लाएंगे? ये देखो, ये उन कुत्तों की तस्वीरें जो इस मुहिम के नतीजे में मारे गए। हाँ लेकिन हम मारे गए कुत्तों को कैसे बचा सकते हैं? अरे फेसबुक पर जाएंगे, अवेयरनेस पैदा करेंगे कुत्तों में। अरे नहीं डॉली, हम रैलियां निकालेंगे, हम धरना करेंगे, हम मॉर्निंग शोज पर जाएंगे, अगर हो सका तो हम एक दिन कुत्ता कन्वेंशन भी कर लेंगे। लेकिन हम इतने सारे कुत्ते कहाँ से लाएंगे? अरे जब तक अंदेशा है तो आपको काहे का अंदेशा है, फेसबुक पर जाना है, वहां जाकर पोस्टर लगाना है और कुत्तों को लिखना है कि इंसानों से होशियार है। तब तक मैं एक रैली का इंतजाम करता हूँ, मालूम तो करूँ कि बंदे जो शामिल होते हैं रैली में उनका रेट क्या चल रहा है। तब तक आप तकरीर का इंतजाम करें, लिखे तकरीर। हाँ तकरीर तो मैंने बना ली है, सुनाओ। रिस्पेक्टेबल डियर डॉग्स, मैंने इंग्लिश में बनाई है क्योंकि कुत्ते जो है ना इंग्लिश ज्यादा अच्छी समझते हैं। पर वहाँ सुनने वाले कुत्ते तो है नहीं, तो मैं सकरो तुम ना अपनी तकरीर पर प्रैक्टिस कर। नो डॉली नो, इस कुत्ता रैली में डे टाइम होगा तो डे टाइम में जो तुम्हारी ट्यूलिप शलवार है ना वो बहुत अच्छी लगी हवा में, देखो ऐसे 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 फड़फड़ा रहे होंगे, कुत्ते कितने इंटरेस्टेड, कितने खुश हो रहे होंगे ऐसे। मैं ये कह रही हूं और सुनो, अंदेशा क्या हुआ? अरे यार मैं कुत्ता रैली के लिए बंदे और बेग बात का इंतजाम कर रहा था कि कदीर बेग के कुत्ते ने मुझ पर हमला कर दिया। अरे तुमने कुत्ते को बताया क्यों नहीं कि तुम तो उसके हकूक के लिए लड़े हो? ओहो उसने मेरी सुनी नहीं। अरे तुम्हारे पास कुत्ते के हकूक में छपे पोस्टर थे, वो पढ़ा क्यों नहीं दिए? अरे डॉली कुत्ते पढ़ थोड़ी सकते हैं, तो उनको पढ़ के सुनाए क्यों नहीं? ये कुत्ते भी ना बड़े कुत्ते होते हैं। अंदेशा खून खून निकल गिर गया था। खून खून फिर तो मुबारक हो। हाँ डॉली इसका तो दिमाग खराब हो गया, मुबारकबाद क्यों दे रहे हो खून निकलने पर? ओहो भाई कदीर बेग का कुत्ता कीमती, तो उसके काटने की भी तो कीमत होगी ना, केस करते हैं
पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। अरे वाह, तुम्हारे ब्रेन में ये ब्रिलियंट आइडिया आया कैसे? आओ हाँ, आ गया। अभी देखे कैसे वकील का इंतजाम करता हूँ। मेरा अंदेशा, माइंड। अरे पहचाना है मैंने, अरे अपना तारुफ करा है ना यार। जी मैं वैसे इन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, इन्हें जरूरत है तो सिर्फ केस की जरूरत है, वो इन्हें मिल गया है। फीस बताएं, फीस कितनी लेनी है आपने? ये भी मैं बताऊं? वकील है अब्दुल वकील। अच्छा तो आप वकील नहीं? नहीं मैं अब्दुल वकील वकील हूँ। मैंने केस तैयार कर लिया है। मेरे मौकिल को कुत्ते को काटने से जो सदमा पहुंचा है। कुत्ते को काटने से नहीं, कुत्ते के काटने से। और इनका नाम मौकिल नहीं, अंदेशा है वकील साहब। वकील साहब नहीं, अब्दुल वकील। अच्छा तो आप अब्दुल वकील हैं, वकील नहीं? भाई मैं अब्दुल वकील वकील हूँ। अरे यार ये बताए ना, करना क्या है इन्होंने? अच्छा करना ये है, देखिए भाई आपने करना ये है कि आपने बस चुप रहना है, और जो ही कदीर बे कुत्ते वाला आपसे माफी मांगने आए तो आपने देनी नहीं है। क्यों वकील साहब? अब्दुल वकील। अच्छा वकील अब्दुल वकील साहब। गलत, अब्दुल वकील वकील। असल में पहले मैं अब्दुल वकील था, वकील तो मैं बाद में हुआ हूँ। अच्छा ये बताइए करना क्या है? अरे भाई ये अदालत का नोटिस मिलते ही कुत्ते वाला भागा भागा आ जाएगा है? आपने किसी बात का जवाब नहीं देना, बस ये कहना है जो जवाब देगा वो अब्दुल वकील वकील देगा। पहले कह रहे जवाब ही देना, फिर कह रहे वकील जवाब देगा, क्या? सारी बातें छोड़े, मुझे कुत्ते के दांत दिखाएं। लो आपने भी तो कुत्ते के दांत नहीं देखे, किसी भी कुत्ते का मुंह खोल लो उसका दांत देख ले। अरे मेरे मौकिल की टांग पर। आपके पास मौकिल भी है? पाठन में वो जिन्हों वाले बाबा भी है। मौकिल मैं? अरे भाई टांग पर कुत्ते के दांतों के निशान तो होने चाहिए ना। मगर कैसे? आइडिया, बेमिसाल किचन से तेज छुरी लेके आओ और अंदेशे की टांग पे कुत्ते के दांत के निशान लगा। गुड, लेके आई। क्या मतलब? ये सब क्या है? वो असल में अंदेशे ने कुत्ते को काटा है। हैं? नहीं वो कुत्ते ने अंदेशे की टांग पे काटा है, तो वो जो बेमिसाल है उसकी टांग पे कुत्ते के दांत के निशान देख रही है। क्या तो ये छुरी से क्या कर रही है? अरे छुरी से दांत बनाएगी तो देखेगी ना। क्या? अंदेशा थोड़ा सा, थोड़ा सा। डॉली ये क्या तमाशा है? वो देखिए मियाँ बीवी के आपस का मामला है। असल में बेमिसाल को बहुत अच्छा लगता है कि अंदेशे की टांग पे ना कुत्ते के दांत का टैटू हो। तो कुत्ते के दांत का टैटू? हाँ कितनी बुरी बात है ना, लेकिन पता नहीं उसको बहुत शौक है, उसको अच्छा लगता है। क्या करें? हाउ वियर्ड। हाय हाय, केस कर दिया मेरे खिलाफ। यहाँ तो ब्रीफ से केस पर भी पूरा ब्रीफ केस खर्च हो जाता है। जिंदगी में पहले कम थी जो एक और नई टेंशन। दांत के निशान सही बन गए? चीखा तो नहीं ना ज्यादा? नहीं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। लगता है वो आ गया। देखें जी मैं आपकी गली में रहता हूँ। हाय, घर ही नहीं बेचारों का। हाँ। गली में रहते हैं जी। ये आपने कोर्ट की तरफ से क्या भेज दिया मुझे? ओहो पढ़ भी नहीं सकते? बेमिसाल पढ़ के सुनाओ। लाइक पढ़ा है मैंने, आपने काटे के खिलाफ मेरे ऊपर केस कर दिया। हाँ, आपने काटा था? बेमिसाल इनको दिखाओ वो छुरी के निशान। वो छुरी जैसे तेज कुत्ते के दांत के निशान। हाँ, अन्वेषा अन्वेषा आराम आराम से, आराम से। ये मेरे कुत्ते के दांत है? नहीं दांत नहीं, दांतों के निशान है। छुरी से ऐसे ही बनते हैं, मेरा मतलब है छुरी से देखो तो ऐसे ही दिखते हैं। अंदेशा साहब देखिए आप तो हमारे हमसाए, कुछ तो ख्याल करें। अब क्या हो सकता है, उन पर तो कुत्ते का असर हो गया, सुबह से 3 बार बीवी पे भौंक चुके हैं। देखिए कुत्ते से गलती हो गई, आप अदालत तो ना जाए ना कम से कम। देखिए आपके कुत्ते, मेरा मतलब है कि मियां को हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं और जितना खर्चा आएगा वो मैं दूंगा। आप लोग बोलते क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि हम चुप हैं। वो क्यों? मना किया है डॉक्टर ने? नहीं वकील ने। देखें जी मैं आइंदा खुद को बांध के, मेरा मतलब है कि अपने कुत्ते को बांध के रखूंगा, बस इस बार मुझे माफ कर दें प्लीज। देखें मैं आप लोगों से माजरत तो कर रहा हूँ, अब और क्या करूँ मैं इसके अलावा? आप ये करें। ये क्या हो रहा है? देखें ना मुस्तकीम साहब अजीब लोग हैं ये, मैं इतनी देर से भौंके जा रहा हूँ लेकिन ये सुनता ही नहीं। झूठ बोल रहे हैं, भौंके कब?
ये सिर्फ बात कर रहे थे। देखिए जरा सा कुत्ते ने काट लिया, केस कर दिया मेरे ऊपर इन लोगों ने। ये कुत्ते ने काटा है, टैटू नहीं था। ओहो मुस्तकीम साहब आइए मैं बताता हूँ ना आपको। वो कुत्ते ने टैटू पे काटा है। अंदेशा तो अब वो भी करने लगा है। बताओ ना इंसान। हाँ बात बात पे काटने भी लगा है। काट के दिखाओ। तुम लोग बातें करे जा रहे हो, डॉक्टर को बुलाओ फौरन। कहाँ है वो कुत्ता जिसने काटा है? बताओ उसको जाके कि डॉक्टर मंदी आए हैं। क्यों, क्या आपने भी कुत्ते से कटवाना है? नहीं भाई, हमें मुस्तकीम साहब ने बुलाया है और हम मंदी हैं, डॉक्टर मंदी। जैसे अकल मंदी होता है वैसे ही डॉक्टर मंदी। आए डॉक्टर साहब, ये रामदेशा, देखें कोई पागलपन का मर्ज तो नहीं हो गया ऐसे। इनके इलाज के लिए मुझे कुत्ते का चेकअप करना पड़ेगा कि कहीं उसको पागलपन का मर्ज तो लाहक नहीं था। हा? तो ये कैसे पता चलेगा कि कुत्ते को मर्ज है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर कुत्ता पागलों जैसी बातें कर रहा हो तो समझ जाओ इसको पागलपन का मर्ज लाहक है। जी मेरा मतलब है कि पागलपने जैसी हरकतें करेगा, कभी जबान बाहर निकालेगा, कभी 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 म्याऊ म्याऊ। अगर कहें तो मैं करके दिखाऊं आपको। नहीं नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, क्या मतलब है आपका? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये देखिए ये मेरा मेंटल सर्टिफिकेट है, ये देखें आप मेरे साथ होता है। अच्छा ये सब छोड़े डॉक्टर साहब, मेरे कुत्ते को, मेरा मतलब मेरे हस्बैंड को तो चेक करें, उनको तो कुत्ते ने काट खाया है। अरे सच बात बताओ, सिर्फ काटा है, खाया नहीं? काटा तो था लेकिन अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। देखा आपने कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मेरे आते ही ठीक हो गए ये, हालांकि मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। क्या तो आप इंसानों के डॉक्टर नहीं है? हाँ इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। अगर इंसानों का होता ना तो ये कब के सारे हो चुके होते। जी मैं मर्ज का इलाज करता हूँ, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि मुझे इनके मर्ज यानी उस कुत्ते से मिलवाइए। मगर आप क्या मिलवाएंगे, मैं खुद ढूंढ लूंगा उसको। कहाँ होता है? जाओ यार, कहाँ हो? कहाँ हो? शुक्र है चला गया। अंदेशा तुम एक काम करो, हॉस्पिटल जाओ और किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। मेरा असिस्टेंट ने ना डंगर डॉक्टर भेज दिया। चलो डंगरों का डॉक्टर भेजता तो ठीक था, उसने तो डॉक्टर ही डंगर भेज दिया। चलो जाओ शब। ऐसा ले जाओ। शुक्र है मुस्तकीम चले गए। अभी वो वकील का फोन आया था, आने वाला है, कह रहा था कि हमें लाखों मिल सकते हैं। लाखों? लाखों? हाँ, ये सीरियस? अस्सलाम वालेकुम। वकील साहब आ गए, आइए आइए। वकील नहीं, अब्दुल वकील। और ये अंदेशा कहाँ है? अंदेशा, अंदेशा, अंदेशा। हाँ ये रहा अंदेशा। ओ भाई ऐसे नॉर्मल नहीं आना, जाहिर करना है कि आपको कुत्ते ने काटा और आप पागल हो गए, लगे कि आप पागल है। फिक्र नॉट, वकील साहब पहले से ही लगता है। अच्छा ये देखिए, ये मैं आपको, ये देखिए ये आवाज सुने, पता है किसकी है? किसकी? कुत्ते की है। कुत्ते की नहीं, टॉमी की, जिसने अंदेशा को काटा है। और भाई जब भी तुम्हें पागलपने के दौरे चढ़े ना तो इसी तरह भौंकना है, ठीक है? एक दफा मैं साबित कर दूं कि कुत्ते ने इसको काटा है, फिर आपको लाखों रुपए का हर्जाना मिलेगा। ये तो एनजीओ से भी ज्यादा अच्छा बिजनेस है, इसके बाद बेमिसाल को भी कटवाएंगे। वैसे तो मेरी कोशिश है कि अदालत के बाहर ही मुख बुका हो जाए। वैसे हो सकता है वो कुत्ते वाले जो है डॉक्टर या वकील को भेज दे कि इसको चेक करे कि ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। लेकिन बहरहाल भाई जब भी वो आए पागलपने का मुजाहरा करना है आपने। और वो कैसे करते हैं? अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो अंदेशा, जो रूटीन में करते हो वही कर देना। अरे भाई पता लगे कि कुत्ते के काटने से आप पागल हो गए बस, वैसे तो केस अदालत में जाएगा नहीं, और अगर चला भी गया तो मैं साबित कर दूंगा। कुत्ते का काटा पानी से भी डरता है। और ये तो शुरू से पानी से डरता है, डन होगी बात। अच्छा ऐसा है कि अब मैं चलता हूँ, अब्दुल वकील की तो खैर है लेकिन अगर वकील का कुछ एडवांस हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो रकम मिलेगी ना उससे शेयर देंगे। हाँ 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 हाँ, गुड आइडिया गुड आइडिया। मेरे ख्याल से मैं चलता ही। हाँ बाय बाय, ओके। वेल सेड वेल सेड। लाख 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 लाख। किसे मिलना आपको? जी वो मुस्तकीम साहब का घर यही है। नहीं वहाँ है ना? वहाँ? हाँ वहाँ। थैंक यू। ओके ओके। लगता है कुत्ते वालों का वकील आ गया है। आइए आइए,
आप ही का इंतजार हो रहा था। जी मेरा इंतजार? आपको पता था कि मैं आने वाला हूं? ओ साहब ने बताया हो। हाँ साहब वकील को कह रहा हूं। देखिए आप खुद फैसला करें, हमारे साथ जुल्म हुआ है। मैं किसी गलत पते पे तो नहीं आ गया? नहीं, हमारा सही पता यही है। इसे क्या हुआ है? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपके जानने वाले के कुत्ते ने इसको काटा है। ये पागल हो गया है, जिसको देखता है काटने लगता है, खासतौर पे मेहमानों को। क्या काटते हैं? परिकर से परिकर पते से काटने से बंदा पागल हो जाता है। मेरे जाने दो प्लीज। ऐसे कैसे जाने दे? आप पहले मुआवजा दें और हम अदालत नहीं जाएंगे। कैसे मुआवजा? अरे आपके जानने वाले के कुत्ते ने काटा ही तो ये हुआ है ना। निकाले मुआवजा, वरना आप पे ऐसा केस करेंगे कि सारी जिंदगी अंदर अंदर दे रहे। हाँ। ये लिखो इस पे कि कुत्ते को काटने की वजह से, नहीं कुत्ते के काटने की वजह से ये पागल हो गया। लिखो। ये ने लिख दिया, अब तो मुझे जाने दे। साइन कौन करेगा? दस्तखत करो। चलो कहीं तो ये भी लिख दूं पागल हूं मैं, कहीं काट ना ले तो जाने दे मुझे। देखा कैसे पागल बनने की एक्टिंग की मैंने। वैसे ना तुमने पागल बनने की कम और कुत्ते बनने की ज्यादा एक्टिंग की, और ओवर एक्टिंग थी। जी वकील साहब, मेरा मतलब है अब्दुल वकील साहब। क्या उनका बंदा नहीं आएगा? वो खुद आएंगे डील करने। हाँ? तो फिर वो कौन था? आपने पैसे गिन लिए ना पूरे? हाँ जी पूरे पूरे। अच्छा ये बताएं वो अंदेशा कहाँ है? आ रहे ना, आ रहे। और डॉक्टर मंदी शक्ल देख के बता सकता है ये कुत्ता है कि नहीं है, और ये कुत्ता पागल है कि नहीं। और मैंने इनके कुत्ते का मुआयना किया है और इनका कुत्ता पागलपन का मरीज है। देख लिया? देखा? देखें जी मैं भी आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ, इसीलिए तो मुआवजा दिया। हमें तो बहुत खुशी है। अरे आइए आइए जमाल साहब, हमारे मोहल्ले में कोई भी पागल खाना नहीं, आप पता नहीं कहाँ चले गए थे। ये है प्रोड्यूसर। यही तो है वो पागल खाना। क्या? अरे जमाल साहब बात तो सुने, जल्दी से पैसे देना, मुस्तकी वापस आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं ये तो अंदेशों को देने हैं। अरे आते हुए इनके कुत्ते ने वाकई काट लिया मुझे, लेकिन कोई मसला नहीं। मसला कैसे नहीं है? अरे इनके कुत्ते का मैंने मुआयना किया है, इनका कुत्ता बावला हो चुका है, और तो और इनका कुत्ता जिसको काटेगा वो भी बावला हो जाएगा। हाँ? 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 हाँ?